इसमें हम डिटेल से एक एक पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट किस तरह लाई करता है, ग्राफ किस तरह लाई करते हैं और लाइन किस तरह लाई करते हैं। तो अभी आवाज का तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। अभी जिसका भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स। अभी जिसका जो भी क्वेश्चन हो वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो कोर्स है उसका नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। लेकिन हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कैलकुलस हमारे पास क्या है। जब हम कंटिन्यूस रेट ऑफ चेंज का जब किसी भी क्वांटिटी के साथ स्टडी चेंज चेक करते, मतलब ये है ना कि कंटिन्यूस रेट है और इसमें किसी भी क्वांटिटी के साथ उसमें चेंज आ रहा है। मतलब ये है ना कि आप किसी भी स्पीड के साथ आपका चेंज आ रहा है या एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका चेंज आ रहा है। तो इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं, या कोई भी स्लोप हो अगर इसको आप फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम कैलकुलस कहते हैं। क्या मतलब है? मतलब यह है ना कि अगर हम एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ हम उसका चेंज चेक करते हैं, मतलब यह है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चेंज चेक करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होते हैं, कैलकुलस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक जनरल एग्जाम्पल ले लेके डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कैलकुलस है। इस तरह अगर हम इसको फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो वाटर का फ्लो है वो टाइम के साथ किस तरह है, तो ये भी एक कैलकुलस का एग्जाम्पल है। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये एग्जाम्पल जो लिखा है ये नॉर्थ में भी है एंड साउथ में भी है और जनरल कंसेप्ट के लिए ये भी है। टाइम के साथ जो भी वेरिएशन आ रहा है ना, इसको हम जब फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकली तो इसको हम कैलकुलस कहते हैं। और इसमें डिटेल बहुत ज्यादा है, लेकिन जस्ट यहाँ पर अब लोगों का जो जस्ट टच है कि कैलकुलस क्या है। तो आगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो कैलकुलस डिटेल से तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम रियल नंबर को एक्सप्लेन करेंगे, सेट थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, इंटरवल को एक्सप्लेन करेंगे और इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, रियल नंबर, रियल नंबर की और क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। इसमें मैंने बेसिकली ये क्या हुआ, स्टार्टिंग में कुछ बिल्कुल इनिशियल पॉइंट लिए हैं जिसमें बिल्कुल स्मॉल कंसेप्ट है, मतलब ये कि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बेसिक हैं। बेसिकली मेरा कंसेप्ट ये है ना कि मैथ इज इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इतना इजी है कि अगर आपको कंसेप्ट का थोड़ा सा आइडिया हो ना बेसिक का, तो मैथ फिर मुश्किल नहीं है। तो इसमें से हम ये स्टार्ट करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर सेट थ्योरी को भी पढ़ेंगे, इंटरवल को भी पढ़ेंगे और साथ ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपने मैथ्स मुश्किल नहीं लेना है। मैथ उस वक्त मुश्किल है जब आप उसको टाइम नहीं देंगे। आप उसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, ये इतना ईजी है, फिर आपको गेम लगेगा। जिस तरह गेम आप डिटेल थोड़ा ज्यादा करेंगे वो आपको ईजी लगता है, इस तरह ये मैथ जो है ये अगर आप इसको प्रैक्टिस कर ले बार बार, ये आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करते ये फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन वैसे है मैथ इतना मुश्किल नहीं अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये मैंने सेट्स नाम दिया, इसमें मुख्तलिफ सेट्स हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जब इनिशियल जब मैथ स्टार्ट हो रहा था तो इसमें सबसे पहले इनने नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर दिया। मतलब ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू, यानी हमारे पास इसमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं। मतलब ये है ना कि सेट जब इनिशियल में स्टार्ट हो गया तो सारे साइंटिस्ट ने 1, 2, 3 जब नंबर स्टार्ट कर दिया तो इसमें पहले जीरो नहीं था। तो जब जीरो नहीं था तो इससे पहले इसको नेचुरल नंबर कहा जाता था, जो एन से हम डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद इंडियन साइंटिस्टों ने थोड़ा सा मजीद और काम कर दिए। जब उसने काम स्टार्ट कर दिया इस नंबर पे, नेचुरल नंबर पे, इसको एक और नंबर मिल गया जिसको हम जीरो कहते हैं। तो जीरो नंबर जब इसके बाद मिल गया तो उसको इसने होल नंबर दे दिया, यानी तमाम नंबर, और नेचुरल नंबर जस्ट लाइक कुदरती नंबर जो है। फिर इसने होल नंबर इसने जीरो से स्टार्ट किया, बाकी नेचुरल नंबर वही है लेकिन सिर्फ जीरो का एडिशन हो गया। तो ये जीरो जो है बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। फिर इसके
बाद हमारे पास z से जो हम डिनोट करते हो, हमारे पास इंटीजर है, और वो इंटीजर हमारे पास जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं। मतलब ये है ना कि अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 जो हमेशा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और 1 जो होता है वो प्लस माइनस, मतलब ये है कि पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, 2 भी प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, और 3 अप टू एन तक, जहां तक आके ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, वहां तक ये हमारे पास जो है प्लस 1 माइनस, यानी 0 हमेशा पॉजिटिव होगा, बाकी प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 0 से इस साइड पे अगर लेट सपोज मैं ले लूं यहाँ पर 0, 0 से इस साइड पे मैं प्लस ले लूं और इस साइड पे मैं माइनस ले लूं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा, और जेड से हम डिनोट करते हैं। फिर इसको हमने मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मतलब ये है कि इसमें से पॉजिटिव नंबर तो हमारे पास होल नंबर आ गया, जिस तरह ये लिखा है सेट अप नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है ऊपर भी यही लिखा हुआ है, मतलब ये है ना कि इसमें से 0 इंक्लूड है, मतलब ये है कि 0 नहीं है, बाकी ये जो नीचे आए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये है कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। फिर नेगेटिव इंटीजर ये हमारे पास वो है जिसमें से नेगेटिव 0 से नीचे स्टार्ट हो, 0 तो पॉजिटिव है लेकिन इसके नीचे से जब स्टार्ट हो तो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर है। फिर इसके बाद जब हम आगे आ जाता है, इसमें ऑड नंबर आ जाते हैं, ऑड नंबर प्लस माइनस 1, यानी ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स अगर हम ये कर ले, यानी फंक्शन के हिसाब से अगर आप लोग करते हैं, या जनरल जनरल कंसेप्ट देख ले, क्योंकि ये बेसिक है, मतलब 2 पे जो डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7 अप टू एन तक, तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है इवन नंबर, इवन नंबर जस्ट हमारे पास ओ नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन सिर्फ ये 2 पे डिवाइड होता है, मतलब ये कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू एन तक ये जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि एक्स सच डेट एक्स, यानी एक्स सच डेट एक्स पी डिवाइड बाय क्यू, सिंपल डेट इज डेट, कि हमारे पास जब कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू पी ओवर क्यू फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज बिलोंग टू जेड लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि अभी अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि हमारे पास पी, लेट सपोज 1/2 में लेता हूँ, तो 1 या 3/4 में ले लेता हूँ, 3/4, तो 4 अगर हम 0 कर ले तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसी वजह से ये शर्त जो है हमारे पास ये लाजमी है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है, ये एक्स सच डेट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, अगर पी डिवाइड बाई क्यू में वो ना आए, मतलब ये कि सिंपल आ जाए, मतलब ये कि 2√1√6 अंडर रूट, अगर मैं 4√ कर लूँ तो हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बेसिकली कंसेप्ट हमारे पास ये कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर हम ले ले, यानी 4 तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं, 4 का अगर हम 2 स्क्वायर ले सकते हैं, तो 2 का अगर हम ये स्क्वायर कर ले, मतलब ये 2 का हम स्क्वायर कर ले तो ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो फिर भी 2 आ जाते और नेगेटिव में नहीं आ जाते, जिसके पास जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं आते, जिसके पास चल जिस तरह फोर अगर फ्रैक्शन होता है ये ना मिनट, क्यों क्या इस इनफाइनाइट किसी का कोई इशू है इस से रिलेवेंट।
हो गया, अगर हो भी है तो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से ये क्लियर करता हूँ। इसमें से ये जो सारे हो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रियल नंबर के साथ, इसमें से तमाम जो है ये लाइन के साथ मैंने किया है। इसमें से दो फैमिली है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, दो फैमिली है। दो फैमिली में से एक फैमिली ये है और एक ये है। ये दोनों फैमिली आपस में मिलकर एक रियल नंबर बनाते हैं। लेट सपोज ये एक अपना फैमिली है, एक सेम, और ये दूसरा फैमिली है, मतलब ये कि इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। लेट सपोज अगर ये हेड पे आप ले ले, ये एक रेशनल नंबर, जिस तरह भाई है, भाई के चाचाजादे और भी इस तरह कजन वगैरह जितने भी है, और इसका रिश्तेदार जो है इसके साथ लिंक करता है, इस फैमिली के साथ। ये ऐसा फैमिली है, ये इसके रिश्तेदारी में नहीं है। मतलब ये है ना कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है 1 2 3, फिर होल नंबर है, वो इसमें भी आता है। हाँ बिल्कुल, ये फाई है, फाई का वैल्यू हमारे पास, ये इरेशनल है। बिल्कुल, आप 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.1415 इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 22/7 को डिवाइड कर ले, इसका जो भी आंसर है वो भी फाइव का वैल्यू है, और ये भी फाइव का वैल्यू है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फाइव का वैल्यू बेसिकली हमारे पास इरेशनल है। ये क्यों इरेशनल है? क्योंकि ये भी इसके लिए शर्त है ना, शर्त आप देख ले। ये मैंने जो ज्यादा टाइम इस पे लगाया है ना कि पी एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, इसके लिए शर्त ये है। ऊपर देखे इज इक्वल टू निशान इधर है, और इधर इज इक्वल टू निशान, इसके ऊपर क्रॉस निशान लगा हुआ है, ये इसका बराबर नहीं है। बट वी आर पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड, क्यों और पी और क्यों हमारे पास जो ये बिलोंग करते हैं जेड के साथ। जेड का मतलब ये है कि इंटीजर।
आवाज आ रहा है? ये लगा दे भाई। ठीक हो गया। रजा साहब अगर पता तो इसको ये नेक्स्ट कर ले थोड़ा। तो इरेशनल, ये दो फैमिली में जस्ट, ये इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना फैमिली, क्योंकि ये इसके साथ लिंक इसका नहीं है। जब इसका लिंक नहीं है तो मतलब ये है ना कि ये हमारे पास इरेशनल जो है ना वो इसके साथ कुछ भी लिंक नहीं रखता है। जिस तरह ये 3√ देगा ये इसमें नहीं है, ये -5 इसमें है, लेकिन ये तो वैसे दोनों हमारे पास है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इसमें से एक पॉइंट है तो ये हमारे पास, या इस तरह अगर आप 2√π, ये आप इस तरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हम इस स्लाइड में अगर किसी का इश्यू है तो वो पूछ सकता है। अब ये कोऑर्डिनेट लाइन है, कोऑर्डिनेट लाइन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 है, 0 से इस साइड पे पॉजिटिव है और इस साइड पे नेगेटिव है। मतलब 0 के लेफ्ट साइड पे जब हम जाते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और यानी राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ओरिजिन विद द नंबर 0। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन है तो हम 0 से इसका सेंटर पॉइंट होगा ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये कि सेंटर पॉइंट वो क्या होगा, 0 होगा। इससे इस साइड पे यानी राइट साइड पे पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, एसोसिएट विद ईच द पॉजिटिव नंबर आर इन द पॉइंट दैट इज द डिस्टेंस आर यूनिट एंड द यूनिट हुज द से 1 सेंटीमीटर। इसमें से ये 1 सेंटीमीटर उसने क्या है, जो डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें से ये सारे 1 2 3 1 1 सेंटीमीटर इसका डिफरेंस है। ठीक है, फिर एसोसिएट विद द नेगेटिव नंबर आर माइनस आर, फिर ये 0 के इस साइड पे ये रेड कलर जो है ये हमारे पास क्या शो करते हैं, नेगेटिव नंबर शो करते हैं, और ये ब्लैक कलर हमारे पास पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं। ठीक है, और ये 0 हमारे पास है, ये ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट है। इस स्लाइड में अगर किसी का कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं। और इसमें से हम जो भी पॉइंट बताते हैं ना उसमें पेयर बताते हैं, मतलब ये है ना कि यहाँ पर मैं, लेट सपोज अगर मैं जाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, अगर किसी ने लाहौर से कराची जाना है तो कराची मतलब ये कि आपको 2 पॉइंट यानी लाइन का 2 पॉइंट आपका होना मस्ट है, इनिशियल और फाइनल। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये है ना कि इसमें से हमारे पास जब हम इनइक्वालिटी में जाते हैं तो मतलब ये लेटर मोर अबाउट एन इनइक्वालिटी के बारे में जब हम ये बताते हैं ना, इसमें से 4 क्वालिटी है मेन, इसमें से एक लेस देन होगा, दूसरा ग्रेटर देन होगा, बिल्कुल ये 1 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर। फिर इसमें हमारे पास ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, और इक्वल टू होगा और नॉन इक्वल टू होगा, यानी नॉट इक्वल टू। अब इसका मैं जनरल कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। ग्रेटर देन का मतलब ये कि वो एक इंच से यानी दो इज ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर देन 1, इसमें से कोई शक नहीं है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है। फिर ये हमारे पास लेस देन का साइन जब हम करते तो 1 10, तो इसमें से भी कोई ओ नहीं है, ये डायरेक्ट हमें पता चलता है 5 जो है वो 10 से छोटा है। और अगर इक्वल टू आ गया मतलब ये कि 5 इज इक्वल टू 5, तो ये डायरेक्ट इक्वल है। फिर लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू का मतलब ये है ना कि इसमें से हम 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, 5 तक जब हम जाते हैं ना, अगर हम ग्रेटर देन 5 लिखते हैं तो इसमें से 4 तक हम जाएंगे, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होंगे तो इसमें से 5 इंक्लूड होगा। एक और एग्जांपल से, अगर मैं कहता हूं ना ग्रेटर देन 10 तो इसमें से 10 इंक्लूड होगा, सॉरी वो नहीं होगा, जब हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन लगाएंगे तो इसमें ये इंक्लूड होगा, यानी 1 2 3 4 5 10। अभी अगर मैं कह देता हूँ तो लेस देन होगा, अभी ग्रेटर देन ग्रेट अगर मैं कह देता हूँ ग्रेटर देन 5 तो इसमें से 5 भी इंक्लूड होगा, ग्रेटर देन 5 to 10, यानी 5 से इसमें से 5 6 7 8 9 लगेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 15 का देता हूँ, ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 में ये वैसे तो अगर ग्रेटर होगा 16 17 18 होगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो इसमें से 15 से स्टार्ट होगा,
जो वर्ड्स हम उसमें से क्लियर करते हैं उसी साथ ये होगा, मतलब ये अगर 10 से स्टार्ट करते तो ये अगर ग्रेटर देन होगा तो ये 11 से स्टार्ट होगा, अगर लेस देन से होगा तो ये 9 से स्टार्ट होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 10 तो ये 10 से फिर क्या होगा स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे 10 11 12 होगा, और अगर लेस देन होगा तो मतलब ये है कि इसमें से फिर भी 10 इंक्लूड होगा, अगर डायरेक्ट लेस देन 10 हो तो फिर 9 8 7 इस तरह होगा, और अगर डायरेक्ट ये होगा तो हमारे पास 10 भी इंक्लूड होगा। इसमें से मेन डिफरेंस ये है कि ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू का। फिर इसमें इसने मुख्तलिफ एग्जाम्पल ये दिया कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन, ये सारा कंसेप्ट इसने बताया जो मैंने आपको जर्नल कंसेप्ट बताया इसमें से ये सारे चीजें लिखे हुए, जिस तरह ये सिंबल लिखा हुआ है ना कि ए इज लेस देन बी, यानी इसका मतलब ये कि ए इज लेस देन बी भी हो सकता है और ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इसमें से 10 भी इंक्लूड होगा। तो इस तरह ये मुख्तलिफ कंडीशन है इसके लिए। फिर हमारे पास ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ये जर्नल इनइक्वालिटी है, ठीक है, अगर ये जर्नल कंसेप्ट है, इसमें से वो नहीं है विजिबल, तो इसमें से जस्ट ये मैंने वो हैंड आउट से लिया है, आप उधर से भी ये देख सकते हो, और ये स्लाइड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, कंडीशन ये है ना कि लेट्स सपोज अगर मैं लगा लेता हूँ ए इज लेस देन, यानी टू इज लेस देन, वन इज लेस देन टू, तो ये तो क्लियर बात है ना, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, अगर फिर इसमें से ये टू भी साथ होगा, क्यों, क्योंकि ये टू इसलिए साथ होगा टू थ्री फोर, अगर मैं जस्ट लिख दू ग्रेटर देन टू तो ग्रेटर देन टू, ठीक है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये लेक्चर, तो ग्रेटर देन टू अगर मैं कर दूं तो फिर मैं थ्री से स्टार्ट करूंगा, फोर फाइव होगा, अगर मैं लिख दू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू फिर इसमें से ये टू भी इंक्लूड होगा, टू थ्री फोर, इसमें से मेन यही डिफरेंस है, क्योंकि इधर ये डिफिनीशन में लिखा है ना ये इसके बराबर भी होगा और ग्रेटर देन भी होगा, अगर मैं ए इज लेस देन बी कर लूँ तो ये ए इज लेस देन बी होगा, इसमें से इक्वल टू वाला साइन नहीं होगा। अभी अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा देख ले, अगर कोई भी इन समय लेता हूं ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है यहां तक किसी, ठीक होगी। नेक्स्ट स्लाइड में ये इनइक्वालिटी ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें से सिर्फ यही दो पॉइंटों का पता होना चाहिए कि जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है लेस देन आर इक्वल टू है, तो इसमें से ये है ना कि इन दोनों का वेरिएशन जो है वो सेम होना चाहिए, कि ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू कहाँ से आ रहा है। फिर इसमें हम इंटरवल चेक करेंगे कि इंटरवल हमारे पास क्या है, इंटरवल मतलब ये है कि दो पॉइंट्स हैं, मतलब ये वी से अबाउट अबाउट द सेट अर्लियर नाउ वी से अज्यूम डेट टेक्स यू, यानी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसेप्ट ये है कि हम ने ये सिंपल को अंडरस्टैंड करना है। ये मैं एक और एग्जांपल से एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर देता हूं। लेट सपोज अगर मेरा भाई है तो मेरे फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है, बिल्कुल मेरा भाई है वो मेरे फैमिली के साथ ताल्लुक रखेगा, अगर मेरा भाई नहीं है कोई दूसरा है बंदा है तो अगर मैं कह दो वो बंदा मेरे फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है, नहीं रखता है, क्यों, क्योंकि वो मेरे फैमिली से नहीं है। इस तरह ये एक सेट है ना, सेट एक फैमिली है, इसने एक एलिमेंट बाहर टू लिया हुआ है, ये दो सेट है ना ए बी, इसने एग्जांपल के साथ किए कि टू इज बिलोंग टू ए, ये ए सेट के साथ ये टू ताल्लुक रखता है, जिस तरह मैंने कहा मेरे भाई मेरे फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बिल्कुल वही बात है। अभी अगर ये दूसरा जो है ना फाइव इज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, यानी इस सेट के साथ फाइव जो है ताल्लुक नहीं रखता है, क्यों, क्योंकि वो इस फैमिली से नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये इस सेट में है नहीं, एक सेट में है नहीं तो इसके साथ किस तरह ताल्लुक रखता है, तो ये इसके लिए कंफर्मेशन यही है कि फाइव इज नॉट बिलोंग टू, साइन का मतलब बिलोंग ताल्लुक रखना, तो ये हमारे पास जो है ये इस मेंबर जो है ये इसमें नहीं है इस सेट में, तो ये ऊपर वाला जो सेट है इसमें ये टू है, तो ये जिस तरह मैंने भाई का एग्जांपल दिया मेरा भाई मेरे फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है तो ये इस सेट के साथ ताल्लुक रखता है, ये ठीक है। ये अगर मैं इस तरह कहूँ कि फाइव बिलोंग टू दिस
तो ये तो नहीं करता है बिलोंग ना। तो इसने ये कहा फाइव इज नॉट बिलोंग टू 1 2 3 4 5, ये इसमें नहीं है, ये सेट भी ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइव तो इसके साथ है नहीं, मैं कह रहा हूं कि दूसरा बंदा जो है मेरे फैमिली से नहीं है, तो ये बात तो मैंने ठीक कहा ना। ये इस तरह, ये फाइव इज नॉट बिलोंग टू दिस फैमिली, यानी इस फैमिली के साथ इसके साथ ताल्लुक नहीं है, तो ये भी सेट ठीक है। ठीक है, मतलब ये है कि ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए। फिर अगर हम पाई के ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जब सेट हमारे पास बेसिकली क्या है, सेट हमारे पास इसका अगर हम डिफिनेशन कर लेना, हमारे पास डेसेंट चीजें होने चाहिए, वेल डिफाइंड, यानी जिसमें से अगर हमारे पास कम्बिनेशन हो, वेल डिफाइंड हो और डेसेंट हो। मतलब ये है कि जस्ट अगर मैं ले लूँ क्लास का, एट क्लास का, एफएससी क्लास में का, एफएससी का कोर्स मुझे दे दे, तो सारे किताबें मुझे दे देगा, या फ्री इंजीनियरिंग, फ्री मेडिकल, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो पूरा सेट मुझे दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसमें से ये बुक है। तो इस तरह ये सेट का भी तीन चार प्रॉपर्टी है कि कम्बिनेशन हमारे पास होना चाहिए, डिस्टेंस मुनफरिद एक दूसरे से अलग होना चाहिए, तीसरा हमारे पास जो है हमारे लेट सपोज के डिस्टेंस मुनफरिद होना चाहिए और कंबाइन होना चाहिए, तो ये हमारे पास सेट का एग्जाम्पल आ जाते हैं, वेल डिफाइन हो। ठीक है, तो एम्प्टी सेट हम जब लिखते हैं तो इसमें से ये पाई लिखते हैं, लेकिन ये पाई खाली हमारे पास एम्प्टी सेट है। अगर मैं कह देती हूँ कि इधर मैं पाई अंदर लगा दूँ ये टू की जगह, तो ये इसका मेंबर होगा। अगर वैसे खाली में लिखते हो तो ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इस स्लाइड में अगर किसी का कोई इशू है, ये हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ना कि यहाँ पर हम इंटरवल चेक करते हैं कि एक सेट में कहाँ पर इंटरवल है, कहाँ पर नहीं है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये इंटरवल का बिल्कुल बेसिक है। ये अगर आप लोग इसमें से देख लेना, ये मैं प्रोवाइड भी कर लूंगा, और ये अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है ना, ये मैं थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ। अभी इसमें से तीन पॉइंट आप लोग माइंड में रखें। पहला पॉइंट ये है ना, अभी ये जो आता है ये फेल है, फेल नहीं है, पहला ओपन है, यानी आखिरी डॉट ए और बी का एंडिंग पॉइंट हमारे पास ये। अगर आप थोड़ा सा मैं जूम कर लो, आप देख ले, आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ये दो पॉइंट देख ले, ये ऊपर वाला लाइन है और ये नीचे वाला लाइन है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन यहां पर ये है ना कि ए जो है ये हमारे पास ओपन है, और यहां पर ये ए जो हमारे पास है ये क्लोज है। अभी ये मैं बताता हूँ ये होता क्या है इसमें, कुछ डिफिनेशन है, कुछ फाइनाइट है, कुछ इनफाइनाइट। फाइनाइट हमारे पास वो है जिसका हद हमें मालूम है, एंडिंग पॉइंट हमें मालूम है। इनफाइनाइट हमारे पास वो है जिसमें एंडिंग पॉइंट हमें मालूम नहीं है। क्या मतलब है? ए बी का एंडिंग पॉइंट हमें मालूम है लेकिन ये ओपन है, तो मतलब ये है कि ये ए बी का पॉइंट ये हमारे पास है, एंडिंग पॉइंट डॉट जो है वो ओपन है, यानी जस्ट लाइक होल बना हुआ है। ठीक है, फिर इसका डिफिनेशन क्या है? एक्स सच डेट ए ए इज लेस देन एक्स और लेस देन बी, यानी ये ए जो है ये एक्स से लेस देन है और बी से भी लेस देन है, तो यहाँ पर ये डिफिनेशन अप्लाई होता है। फिर सर अगर थोड़ा सा ये कि मेरे पास लैपटॉप में चार्ज भी कम है, थोड़ा सा मैं तेज बोलूंगा, स्टूडेंट आपने समझना भी है, और अगर जो चीज़ समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा चार्जिंग कम है। तो फिर इसमें हमारे पास हाफ आ जाता है, ये क्लोज है, क्लोज का मतलब ये कि ये दोनों क्लोज है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास हाफ ओपन है, हाफ ओपन का मतलब ये है कि एक होल ओपन है, दूसरा क्लोज है, सेकंड का भी हाफ ओपन है, यानी इसका राइट साइड का, इसका राइट साइड का है, और यानी आपको इन इक्वलिटी जो है ना वो एक्सप्लेन किया, लेस देन आर इक्वल टू, इधर सिर्फ लेस देन है, यहाँ पर लेस आर इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। फिर ये हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, ये आगे कहाँ तक जाते हैं, ये ओपन है लेकिन ये एंडिंग पॉइंट एक साइड से, दूसरा पॉइंट हमें पता नहीं है, यहाँ से एंडिंग हमें पता नहीं है कहाँ तक जाते हैं। दूसरा क्लोज जो भी है ना वो भी इस तरह है कि इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है। तीसरा हमारे पास जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ है। अभी ये देखे ना, अभी ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल का मतलब ये है कि ये स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर भी लार्ज ब्रैकेट भी कह सकते हैं, या मेट्र ब्रैकेट आप कह सकते हैं, यहाँ से ये इस तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन भी शो किया हुआ है, तो इधर से ये बोथ हमारे पास क्लोज और ओपन है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पहले ओपन है, फिर
फिर क्लोज है, फिर हाफ ओपन है, फिर हाफ ओपन है ये फाइनाइट के लिए है, फिर ये इनफाइनाइट के लिए ये ओपन है, एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, क्लोज हमें एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, ये इस तरफ जा रहे हैं ओपन, ये इस तरफ जा रहे क्लोज, ये ओपन इस तरफ, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है, क्लोज भी राइट की तरफ, ये दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर के बाद नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में अगर कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको आया हो तो ये मुझे करेक्ट एंड करेक्ट की एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जस्ट ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि 3 इज लेस देन 8, ये तो करेक्ट है। अगर मैं कहूं 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, क्यों? क्योंकि ये मैंने जो बताया 2 और 4 आपस में इक्वल तो नहीं है ना, एक तो करता है, चलो 2 जो है वो लेस देन है, लेकिन ये तो 2 और 4 आपस में इक्वल है नहीं है, इसी वजह से ये इनकरेक्ट है। पाई इज लेस देन 0, मैं कहता हूं पाई इज लेस देन 0, ठीक है, ये जो हमारे पास है एक प्रॉपर्टी पहला भी गलत है, पाई का वैल्यू 3 point something है, वो इससे बड़ा है। दूसरा इसके ये गलत है कि इक्वल भी साइन लगा, इक्वल का मतलब ये कि ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखे, 5 इज लेस देन -3, 5 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो इससे ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर किसी को फिर भी अगर इश्यू है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारे पास थ्योरम है कि इफ ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी। सिंपल मतलब ये है ना कि मैं कह देता हूं ए इज लेस देन बी, ए से जो बी है वो छोटा है, बी से भी सी छोटा है। अगर मैं कहूं ए से डायरेक्ट सी छोटा है तो ये पहला थ्योरम हो गया। सेकेंड थ्योरम क्या है, ए इज लेस देन बी, ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी, इसमें से सेम क्या है, सेम हमारे पास ये है ना, अगर ए इज माइनस बी और ए इज लेस देन, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, जस्ट ये क्या है ना कि ए प्लस बी और सी दोनों साइड ऐड किया है जिस तरह ऊपर वाला है। थ्योरम नंबर थर्ड जो है वो सिर्फ वो इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इधर मल्टीप्लीकेशन के थ्रू वही क्या है, ए सी और बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इधर अप्लाई हो गया। फिर थ्योरम नंबर डी, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन डी, मतलब ये है ना कि ए जो है वो बी से छोटा है और सी जो है डी से छोटा है, इसमें से सेम क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो उसने इधर ऐड किया ए प्लस सी और लेस देन बी प्लस डी, मतलब ये ऊपर सेम था, बी सेम था, इधर देखें फर्स्ट में इधर भी बी सेम है, इधर भी सेम है, मतलब ये कि ए इज लेस देन सी, डायरेक्ट आ गया। और यहाँ पर डिविजन में किया इसने कि एफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो तो इसमें ए डिवाइड बाय बी और ए डिवाइड सारे हैंड्स आउट में मौजूद है, अगर किसी को फिर भी इश्यू तो पूछ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये एग्जाम्पल में आपको सैंपल इधर थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे दे, ये बिल्कुल इजी एग्जांपल है, नंबर 1 का एग्जांपल मैं बता देता हूं। मैं ये बता देता हूं ना, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस, 2 इज लेस देन, इधर में होता है, अगर मैं ये डायरेक्ट कह दूं कि 2 इज लेस देन 5, अभी ये आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। फिर ये एग्जांपल जो है 3x plus 7x is less than or equal to 2x minus 9, अभी ये सिंपल लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा का क्या मतलब, x को एक साइड पे कर ले और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे कर ले। कांस्टेंट हमारे पास कौन से होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होते। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब ये मैं स्क्रीन अगर विजिबल नहीं है ये मैं आपको स्लाइड जो है प्रोवाइड कर दूंगा, स्लाइड आपको मिल जाएगा। और दूसरे लिए ये मैंने उधर हैंड्स आउट से लिया है और कुछ टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए, ठीक है। अभी ये देखे ना, ये 7x है और ये 2x है, हमने x को एक साइड पे करना है और y को दूसरे साइड पे करना है, मतलब ये है कि इसका प्रेजेंटेशन हमने यू बनाना है ना कि x और y को अलग अलग करना है। x और y को अगर हम अलग अलग करते हैं ना तो मतलब ये है कि एक साइड पे हम x करेंगे, दूसरी साइड पे हम y करेंगे, लेकिन ये इसमें y नहीं है x से, तो x को हम कर लेते हैं,
एक्स का मतलब ये है ना, ये 7x है, ये 2x, इसको इस साइड पे आना चाहिए, इसको इस साइड पे हम अगर लेके आए तो इससे 7 से हम 2 माइनस करेंगे, ये 9 है ना, 9 को माइनस 9 है, ये 3 इस साइड पे, एक और कंसेप्ट, अगर एक साइड पे प्लस होना इज इक्वल टू उस साइड पे हो जाएगा वो माइनस होगा, अगर माइनस हो तो इज इक्वल टू उस साइड पे प्लस होगा, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी प्लस माइनस आपस में चेंज होगा और डिविजन मल्टीप्लीकेशन आपस में चेंज होगा। फिर इसमें हमारे पास ये सबट्रैक्ट क्या है, तो 7 में से 2 माइनस कर ले ये वाला, तो ये क्या 5 आ जाएगा, और ये डायरेक्ट उसने क्या -3 और -9 कितना होता है, इधर से मैं चेट में लिखता हूँ -9 और -3, क्यों ये -3 आ गया, क्योंकि इस साइड पे एक साइड पे जो है ना, लेफ्ट साइड पे जो है ना वो प्लस है, और राइट साइड पे जब आएगा तो माइनस होगा, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्लियर हो गया सारा। अच्छा ठीक है, गुड हो गया, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक और एग्जांपल है, ये -1 क्यों आया है, इसमें से अंत -7/5 और -1 ये क्यों आ गए, किसी को थोड़ा आइडिया है? अच्छा चलो, ये इनइक्वालिटी है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल है, लेते ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें से अगर आप लोग कंसेप्ट देखें ना, इसमें ऊपर कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन का मतलब 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। पिछले एग्जांपल अगर हम देख ले, इसमें से ये कंसेप्ट नहीं था, इसमें से सिंपल इस सेंटर में एक पॉइंट पे लिखा हुआ था लेस देन आर इक्वल टू 2x, इधर इसमें से डबल ये लिखा हुआ है, द गिवन इनइक्वालिटी, इसमें से ये यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी इसमें से हम ये सॉल्व करते हैं, अभी ये देखें 5x ये ऊपर वाला आ गया, अभी ये 7, अभी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसी वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड इसलिए होगा ना कि इसमें से कंडीशन दो है, अभी देखे 7 इज लेस देन इक्वल टू आर 2 -5x इज लेस देन आर इक्वल टू 9, ये इससे माइनस होगा, एक दफा जर्नल सॉल्व होगा, दूसरी दफा इससे 2 -5x होगा, ठीक है, इसी वजह से ये वैल्यू डबल आ गया, मतलब ये है कि ये 5 आ गया, ये अगर हम कर ले, इधर देखे 7 लेस देन इक्वल टू 2 -5x, अभी वी कुड नॉट सॉल्व द टू इनइक्वालिटी सेपरेटली देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेट से बाय बोथ टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन सेट लोअर इन द पॉसिबल वर्क इनइक्वालिटी, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें इनइक्वालिटी जो आपस में सेपरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से 2 -5x ये आ गया, क्योंकि ये 2 आ गया और इसमें इनइक्वालिटी के दरमियान ये आ गया, ठीक है, इसी वजह से ये हम डिवाइड करेंगे, तो ये एक हमारे पास 5 आ गया और -5 लेस देन 7, मतलब ये है ना कि इधर से ये 5 क्यों आ गया, 5 इसलिए आ गया है ना कि ये हमने सेपरेट किया है, ठीक है, यानी 2 बोथ साइड पे हमने क्या किया, माइनस किया, 7 से 2 माइनस कर लो क्या आता है, 5 ही आता है, और यहाँ पर 2 हमने माइनस किया तो 1 आ गया, इट मीन वो ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर भी 9 से 2 माइनस करो तो 7 ही आ गया, गुड, ठीक ठीक ठीक, अभी ये 5 क्यों आ गया, क्योंकि दोनों साइड से हमने 2 माइनस किए, ठीक है, फिर -1, फिर हमने 5 को -5 किया दोनों साइड से, ठीक है, इधर से भी -1 आ गया, क्योंकि 5 -5 रिवर्स किया, फिर इसमें से भी यही किया, ये इस साइड पे डिवाइड किया, ठीक है, फिर रीराइट कर दिया और आ गया, और यहाँ पर ये -7/5 आ गया, ये क्यों, क्योंकि ये 2 हम 5 जो हमने वो दोनों साइड पे डिवाइड किया, इस ये जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया,
फाइव यहाँ पर डिवाइड किया माइनस फाइव तो वन आ गया, फिर माइनस फाइव डिवाइड किया माइनस फाइव डिवाइड हो गया प्लस आ गया, और माइनस सेवन जो है ये तो डिवाइड होता नहीं है, माइनस सेवन बाई फाइव कर दिया। यहाँ तक अगर किसी का कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं। फिर इसी वजह से एक्स का वैल्यू दो हमारे पास आ गया। दोबारा देखें, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें से हमारे पास क्या है, दो पोर्शन है, ठीक है। जब दो आ जाए ना, एक्स इज द सेटिस्फाई बोथ, यानी दो इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले टू को डिवाइड किया, टू को क्यों डिवाइड किया, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत मेन ये थी ना कि हमारे पास ये सेंटर में टू था, इसको खत्म करने के लिए ये हमने डिवाइड कर दिया, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, टू में से टू खत्म, टू में से प्लस टू माइनस टू खत्म हो जाते हैं। हाँ सेपरेट में कर लेता हूँ, लेकिन अभी चलो मैं इधर में कर देता हूँ। अभी ये एग्जांपल देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है ना सेवन है ना, लेकिन इसमें से लेस देन, चलो ये इधर देखें ना, एक मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी सेवन इज लेस देन टू माइनस फाइव एक्स, टू माइनस फाइव एक्स इज लेस देन नाइन। अभी यहाँ पर फाइव इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस फाइव एक्स लेस देन सेवन, ठीक है। अभी अगर ये मैं लिखूंगा तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इधर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर समझ नहीं आया मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पर टू में डिवाइड क्यों करूंगा, ऊपर से यहाँ पर ये टू है, इस एक्स को हमने इकट्ठा लेके आना है, यानी एक्स को सिंपल हमने क्लियर करना है, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमने फाइंड करना है, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा यू ना कि ये टू मैंने खत्म करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि फाइव टू माइनस फाइव एक्स से मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से ये सेपरेट हमने कर दिया, दो अलग अलग लिखा, जब अलग लिख लिया फिर इसमें से फाइव ये नीचे लेकर आया, ठीक है। इसमें से टू हमने माइनस कर दिया, जब माइनस कर दिया ये टू, ये वाला टू और ये वाला टू जो हमारे पास है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स का वैल्यू फिर भी परफेक्ट नहीं है, फिर फाइव लेस देन माइनस फाइव इज लेस देन टू आ गया, ठीक है। इसको हम मजीद हम फाइव पे डिवाइड करेंगे, जब फाइव पे डिवाइड करेंगे ना तो माइनस फाइव पे डिवाइड करेंगे, जब फाइव पे माइनस फाइव पे डिवाइड होगा तो ये माइनस वन आ जाएगा या नहीं, फाइव डिवाइड बाई माइनस फाइव, इससे क्या आंसर आता है जी बताएं, माइनस वन, गुड। अगर माइनस वन तो यही माइनस वन इधर लगा हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम इस तरह ना फाइव माइनस फाइव माइनस आपस में डिवाइड कर ले तो फिर क्या आंसर आता है, फिर भी गुड प्लस वन आता है। फिर प्लस वन हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमने एक्स लिख दिया है। फिर सेवन माइनस सेवन है ना, तो पहले तो इधर से माइनस सेवन है ना, सेवन को माइनस सेवन डिवाइड किया तो इससे क्या आंसर आएगा, सारे लिखे सारे, जिसको अगर आइडिया नहीं हो तो लिख के इसको आइडिया हो जाएगा। सेकेंड स्टेप की वो फाइव हमने इज अ होल डिवाइड कर दिया, सेकेंड स्टेप बिलाल अगर आप पूछ रहे तो सेकेंड स्टेप फाइव इज अ होल डिवाइड किए, सेकेंड स्टेप ठीक हो गया। फिर यू हुआ ना री राइट विद द स्मॉलर मेंबर फर्स्ट, स्मॉल इसने ये कहना, अभी मुझे ये बताए कोई कि माइनस सेवन बाई फाइव बड़ा होगा या माइनस वन बड़ा होगा, अभी आप लोग मुझे ये बताए कि माइनस सेवन बाई फाइव बड़ा होगा या माइनस वन बड़ा होगा, माइनस वन, गुड। माइनस वन इसलिए है ना बड़ा है कि ये राइट साइड पे आ गया, ये लेफ्ट साइड पे ये छोटा है, ठीक है। माइनस सेवन बाई फाइव ये क्यों छोटा है, इसलिए कि ये सेवन को फाइव पे डिवाइड हो गया है और माइनस भी है। लेट सपोज अगर मैं जीरो से नीचे मैं चाहता हूँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फोर बड़ा होगा या माइनस वन बड़ा होगा, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि माइनस वन जो है वो बड़ा होगा, माइनस फोर जो है वो छोटा होगा, क्योंकि वो छोटे की तरफ जा रहा है, ठीक है।
फिर इसके बाद दस द सोल्यूशन सेट इंटरवल। अभी मुझे आप लोग ये बताएं, जिस तरह मैंने इंटरवल का ओपन और क्लोज का कंसेप्ट बताया, इधर आप लोग मुझे ये बताएं माइनस वन क्यों क्लोज है और माइनस सेवन बाय फाइव क्यों ओपन है। ये कोई बता सकता है? अच्छा, इसमें से वही कंसेप्ट है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से फाइनाइट जीरो जो हमारे पास माइनस वन का वैल्यू है ना, वो ओपन की तरफ जा रहा है ना। अभी ये स्लाइड में जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है ना, इस स्लाइड में ये, इसमें से ये कंडीशन लेस देन आर इक्वल टू वाला कंसेप्ट है ना, और फिर ये ओपन है, फिर ये लेस देन आर इक्वल टू जो हमारे पास है ना, इसमें से अगर डबल आ जाते हैं, मतलब लेस देन आर इक्वल टू, तो इसमें से हमारे पास ये आता है लेस देन आर इक्वल टू, ये देखें ना, फाइव एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू नाइन, और ये इस साइड लेस देन आर इक्वल टू नाइन, इसी वजह से ये हमारे पास ओपन और क्लोज आ गया। दूसरा मतलब ये है ना, ये इधर लार्ज ब्रैकेट जो हमारे पास है ना, ये वाला जिसको स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारे पास हो वो क्लोज की तरफ जाते हैं और ये ओपन की तरफ जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसी वजह से ये हमें ये नजर आया। ठीक है, इस स्लाइड में अगर किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरफ स्मॉल ब्रैकेट वो ओपन होता है और स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं वहां पर वो क्लोज होता है, ये मेन इसका वो है तरीका है, जिस तरफ स्मॉल हो तो ओपन होगा, जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट हो तो ओपन क्लोज होगा। यह हमें पता चलेगा ना कि कहाँ पर ओपन है कहाँ पर क्लोज है, इसी वजह से हम ये स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक हो गया, यहां तक अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक इसमें रह रहा है ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। बस दो तीन स्लाइड रहता है, पहला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें से पहला ये है ना, ग्रेटर देन लेस देन, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसमें से इनइक्वालिटी यूज हो गया, लेस देन आर ग्रेटर देन साइन यूज हो गया, ये देखे ना एंडिंग पॉइंट पे वही चीज है, ए इज लेस देन बी, इसका मतलब है कि ए इज लेस देन बी होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, लेकिन इसमें से ये मैंने सिर्फ जस्ट इसलिए ये लगाया कि इसमें से लेस देन और ग्रेटर देन साइन था, मैंने कहा चलो इसको ये ओपन समझ आ जाएगा। इस स्लाइड को अगर मैं कह दूं आपको वैसे ही समझ आया होगा, इसको आप जस्ट रीड कर ले, क्योंकि ये मैंने पहले डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया ना, आप लोग इसके देख ले, जस्ट ग्रेटर देन लेस देन साइन है, और इसमें से अगर माइनस वाला आ गया, मतलब ये कि जीरो, अगर लेट सपोज अगर मैं एक ले लूँ ना ग्रेटर देन तो उससे ग्रेटर होगा, अगर मैं लेस देन ले लूँ तो उससे छोटा होगा, बस सिंपल इज डेट। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें से ये एक और एग्जांपल, जबकि हम सारे सेट लेते हैं ना, इसमें से हम दो चीजें लेते हैं ऑर्डर, ऑर्डर में से हमारे पास या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा। इसमें से मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दो चीजें अगर आपस में हम कंबाइन करते हैं इसके तहत हम यूनियन कर लेते हैं। ठीक है, दो बंदे का अगर आपस में यूनियन हो जाए तो वो क्या होगा, आपस में कंबिनेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये है ना कि ए का जो सेट हो और बी का जो सेट हो वो आपस में डबल जो है वो सिंगल लिखेंगे और सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये आपस में कंबाइन हो गया। क्या मतलब, यूनियन का मतलब ये है कंबिनेशन, ठीक है, टुगेदर, दो चीजों का आपस में इकट्ठा करना है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास ए ये आ जाते हैं वन टू थ्री फोर, ये इसका नंबर है, ये एक नंबर सेट है, ये बी नंबर सेट हमारे पास जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इसमें से ये हमारे पास दूसरे मेंबर है, तो ये ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, ए यूनियन बी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आ गया। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, यूनियन हो गया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन, और ये हम हमेशा यू इसमें दरमियान में लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल नहीं, अगर हमने स्मॉल लिख दिया तो इनकरेक्ट होगा, और अगर कैपिटल लिख दिया तो करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दो चीजों का आपस में काटना है। क्या मतलब, अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो डिलीट करो, जरूरत नहीं है। तो मतलब ये कि आपस में इंटरसेक्ट करना, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम उल्टा यू लिखेंगे। ठीक है,
मतलब n जैसे लिखेंगे लेकिन इसके साथ तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, उल्टा u को उल्टा कर ले, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, सेट ए एंड सेट बी, ए बी, और इसका वही सेट लिया हुआ है, ए का ये है बी का ये है, इसमें से हम वही सेट वही मेंबर लेंगे जो आपस में सेम हो। क्या मतलब, वन वन हमने लिया, वन सेट ए और सेट बी में है या नहीं, गुड हो गया है। फिर टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर भी है, फाइव फाइव नहीं है, तो हम ये सेम का मतलब है कि दोनों में एक जैसे हो, अगर एक जैसे नहीं हो तो नहीं होगा, इसको डिलीट कर दे। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो मतलब ये ए इज इक्वल टू बी आ गया। ये क्यों बराबर आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन में तब इक्वल होगा जब दोनों में क्या होगा, इक्वल होंगे, इक्वल मेंबर होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है जी, बिल्कुल इक्वल होंगे। यहां तक इसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम, वैसे मैथ है बिल्कुल इजी, अगर आप लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लें। बेसिक कंसेप्ट मैंने इसमें से थोड़ा सा स्लाइड डाली हुई, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अगर इसको कोई इश्यू हो तो। दूसरा, आप लोग अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो ना, तो इसमें से ये है ना कि आप बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर लें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर आपको ये चार चीजें अच्छा आते हैं तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सारा मैथ आता है।